हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम पुष्पराज सिंह। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस्टीमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। डियर स्टूडेंट, जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसे हमें एस्टीमेट कर प्लस करना है और कुछ क्वेश्चन में माइनस भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हम लोग इसका एस्टीमेट करेंगे। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? नियरेस्ट नंबर लिखना, यानी ये जो नंबर दिया गया है ये किस नंबर के ज़्यादा क्लोज है। क्लोज मीन्स क्या होता है, मतलब पास में, किस नंबर के ज़्यादा पास है यह नंबर। तो देखिए, अगर मान लीजिए 2, 3, 1, 4 इसमें से अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो जो नंबर दिया गया होगा वह पीछे वाले नंबर के ज़्यादा क्लोज होगा। और अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 अगर यह नंबर दिया है तो जो नंबर दिया गया है वो उसके आगे वाले नंबर के ज़्यादा क्लोज होगा। क्लोज मतलब नज़दीक होगा। तो जैसे यहाँ देखिए, अगर हम बात करें 7, 3, 0 तो ये देखिए ये हमारा नंबर क्या है, 3 है, जो कि 5 से कम है। तो वह इस नंबर पे ज़्यादा नियरेस्ट होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 700। तो देखिए आप लिखा है राउंड ऑफ 730 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 700। इसी प्रकार इसका देखिए 998, ध्यान से देखिएगा यह नंबर। देखिए यह इस वाले ग्रुप में आता है, यानी यह 5 से बड़ा है। तो यह आगे वाले नंबर यानी यहाँ पे 9 है, तो 9 के आगे क्या होगा, 10। यानी अब यह किसके नियरेस्ट हो गया, 1000। ठीक है, याद रखिएगा जब 1, 2, 3, 4 होगा तो वह पीछे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा, और जब 5, 6, 7, 8, 9 होगा आगे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा। सो यहाँ देखिए राउंड ऑफ 730 इज इक्वल टू इतना, राउंड ऑफ 998 इज इक्वल टू 1000। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए एस्टीमेट करके लगाना है। तो हमारा एस्टीमेट तो हो चुका है, अब इसे हमें सम करना है। तो हम लिखेंगे देखिए क्वेश्चन में हमें सम करना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एस्टीमेटेड सम इज इक्वल टू, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 1700। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जब हम इस नंबर का राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या दिया है, 28292। ध्यान दीजिएगा जो यह नंबर है 5 से ज्यादा है, जब यह 4 से ज्यादा है या 5 से जब ज्यादा है तो यह आगे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे 28 है, यानी यहाँ पे 2 है, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, 3। यानी यह नंबर जो है इस नंबर की क्या होगा, नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ 28292 कितना होगा, 30000। अब इस नंबर को देखिए 21496, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो यह पीछे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20000। अब देखिए एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे सम की जगह पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। तो अब देखिए अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 30000 और यहाँ पे 20000, दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, 10000। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन बचा होगा
उसे आप अपने घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिव ए रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड एंड आल्सो ए क्लोज एस्टीमेट राउंड बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। डियर स्टूडेंट, ये जो नंबर दिया गया है, एक बार हम 100 के नियरेस्ट निकालेंगे, फिर दूसरी बार हम 10 के नियरेस्ट निकालकर फिर दोनों का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। मतलब पहली बार 100 के नियरेस्ट निकालेंगे इसी क्वेश्चन का, फिर इसी क्वेश्चन का दूसरी बार 10 के नियरेस्ट नंबर निकालकर हम क्या कर लेंगे, दोनों को सम कर लेंगे। मतलब पहले इस वाले को सम कर लेंगे, बाद में दूसरे वाले को 10 वाले को सम कर लेंगे। तो देखिए हम बताते हैं, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, यहाँ पर देखिए 100 के नियरेस्ट बताना है। तो 100 यहाँ पे है, हमें इसके नियरेस्ट बताना है, तो हम इसको देखेंगे। यह देखिए यह 3 है, जब 3 रहता है तो पीछे वाले नंबर के नियरेस्ट होता है, यानी यह किसके नियरेस्ट होगा, 400 के नियरेस्ट होगा। इसी प्रकार देखिए 3 3 4, फिर अभी 100 के नियरेस्ट यह नंबर हमारा 4 से कम है, या 4 होता तब भी वही होता, यानी ये सभी नंबर 5 से कम है। तो ये देखिए हमें 100 के नियरेस्ट निकालना है, इसलिए हम इस नंबर को देखेंगे। तो ये देखिए 5 से कम है, इसलिए पीछे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ अगर ये मान लीजिए 5 हो जाता तो यहाँ 400 हो जाता। इसी प्रकार देखिए 4 3 1 2, हमें डियर स्टूडेंट किसके नियरेस्ट नंबर बताना है, 100 के नियरेस्ट बताना है। 100 हमारा यही है, 1 10 100। जब हमें 100 के नियरेस्ट बताना है तो हमें देखना है कि यह जो नंबर है यह 5 से कम है कि नहीं, या 5 से कम है तो यह इसके नियरेस्ट होगा, यानी 4 3 0। तो देखिए इसका नियरेस्ट क्या आया, 400 प्लस इसका नियरेस्ट क्या आया, 300, और इस वाले का नियरेस्ट क्या आया डियर स्टूडेंट, 4300। अब हमें तीनों को सम करना है, तो सम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सम करेंगे तो 400 प्लस 300 प्लस 4300, सभी को हम प्लस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 0 देखिए वंस के साथ यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 3, यहाँ 3, 6, 6 और 4, 10 के 0, और यहाँ 4 है, 4 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 5000। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग दिए गए नंबर्स का 100 के नियरेस्ट वैल्यू निकाले तो पहले का इतना, सेकंड वाले का इतना, थर्ड वाले का इतना आया, फिर हमें तीनों को सम करना था तो हम लोगों ने सम कर दिया है। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में आगे लिखा है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब हमें इसी नंबर को 10 के नियरेस्ट निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे देखिए 10। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यह जो नंबर दिया गया है, अब हमें 10 के नियरेस्ट निकालना है। 10 का 1 10 10 हमारा यहाँ है, तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जिस नंबर का नियरेस्ट निकालना है उसके पहले वाले डिजिट को हम देखते हैं। तो हमें 10 के नियरेस्ट 10 के प्लेस पे 3 है, तो इसके नियरेस्ट निकालना है इस वाले नंबर के, तो हम इसे देखेंगे। देखिए यहाँ 5 से ज्यादा है,
तो यहाँ आगे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा, यानी फोर थ्री को एक बढ़ा देंगे और जीरो। समझ में आया मैंने क्या बताया था कि अगर यह नंबर, ध्यान दीजिएगा टेन के नियरेस्ट हम निकाल रहे हैं, अगर यह नंबर टू होता तो यह 430 के नियरेस्ट होता, फोर होता तब भी 430 के नियरेस्ट होता, लेकिन यह जो नंबर है बेटा यह हमारा 5 से मोर है, अधिक है, इसलिए हम इस नंबर के आगे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पे 39 तो 40 हो जाएगा। यह समझे, इसी प्रकार देखिए 330 को हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए इसके नियरेस्ट जब हम निकालेंगे 34 है, तो देखिए 110 यह भी है, तो 10 के नियरेस्ट हमें निकालना है, तो इसे देखेंगे, देखिए क्या है 5 से कम है इसलिए यह बढ़ेगा नहीं, पीछे वाले नंबर के नियरेस्ट होगा, यानी इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 330। अब आ गया 4317 में हमें किसके नियरेस्ट निकालना है डियर स्टूडेंट, 10 के नियरेस्ट। देखिए यहाँ पे 10 के प्लेस में क्या है 1 है, और जब हमें इसके नियरेस्ट निकालना है तो इस नंबर को देखेंगे, यह नंबर 5 से ज्यादा है इसलिए हमारा नियरेस्ट क्या होगा 43, इसको एक बढ़ा देंगे 20। तो आप देख पा रहे होंगे कि 439 में जो है 10 का नियरेस्ट क्या होगा 440 हो जाएगा, 334 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 330। अगला नंबर है 4317 है, इस या किस 10 के नियरेस्ट होगा डियर स्टूडेंट, तो 4320। अब हमें इसे प्लस करना है, एस्टिमेटेड सम लिख देंगे, एस्टिमेटेड सम इज इक्वल टू, सभी को हम प्लस कर लेंगे, प्लस कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, फाइव, फाइव पे फोर प्लस करेंगे तो नाइन, फिर यहाँ पे थ्री है, यहाँ भी थ्री है, सिक्स हो गया, सिक्स में फोर प्लस करेंगे तो टेन, ये जीरो कैरी वन हो गया, और थाउजेंड में वैसे यहाँ फोर है, फोर में वन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बचा होगा उसे आप अपने घर से कर लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसे पूछ लीजिए।